ओ, नमस्कार बंधु। आज का बनाया जा रहा वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल की तेज तर्रार दुनिया में घर में शांति स्थापित करना कहीं ना कहीं मुश्किल का काम बनता जा रहा है। बंधु, आजकल तकरीबन हर घर में, जी हाँ, हर घर में छोटी बड़ी लड़ाई या कलेश होता रहता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गृह कलेश को मिटाया जाए सरल व सटीक व टोटके करके। जी हाँ, हम आपको करीब 25 उपाय बताएंगे, जिनमें से आप कोई पांच उपाय अवश्य करें। जी हाँ, पांच उपाय भी अगर आपने कर लिए तो आपका जो गृह कलेश है वो दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा और एक दिन अपने आप समाप्त हो जाएगा और आपके घर में शांति स्थापित हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इन उपाय व टोटकों के बारे में। टोटका नंबर वन, अगर आप पत्नी हैं, गृहिणी हैं, तो आप घर में कोई एक सोने का आभूषण धारण करें। चाहे आप एक छोटी सी अंगूठी पहन लिया करें सोने की, या कोई भी आभूषण हो आपका वो सोने का होना चाहिए। जब आप घर में हो तो आपके पास एक सोने का आभूषण होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, शनिवार को गेहूं के साथ कुछ काले चने मिलवाकर पिसवाएं। जी हाँ, हर शनिवार को गेहूं के साथ कुछ काले चने मिलवाकर पिसवाएं। ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो कहीं एक पॉलिथीन में आ जाए, इतना बराबर गेहूं और काले चने हो, छोटी सी पॉलिथीन के अंदर आ जाए, इतना चावल हो उतना ही गेहूं हो। तो हर शनिवार को आप उन दोनों को पिसवाइए और अपनी बालकनी में रख दें। वो इतवार की सुबह वे वहां से हटा दें और बरगद के पेड़ पर रखाएं। तीसरा उपाय, घर में कोई मिठाई व भोग आए तो उसे पहले भगवान को भोग लगाएं। सबसे पहले आपको भोग लगाना है भगवान को, अगर घर में कोई मिठाई या कोई भोग आए तो। उपाय नंबर चार, मंगलवार को, किसी एक मंगलवार को घर में लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में 11 गोमती चक्र रखें। अगर आपको नहीं पता है कि गोमती चक्र क्या है तो आप मुझसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। उपाय नंबर पांच, हो सके तो सुबह जब भी आप दूध पीते हैं सुबह सुबह, तो उसमें एक चुटकी केसर या फिर हल्दी वो डालकर पिए। एक चुटकी हल्दी डालिए या फिर एक चुटकी केसर डालिए दूध में, तब दूध पिए। उपाय नंबर छह, गुरुवार को घर में कपड़े कभी भी ना धोएं। किसी भी गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को कभी भी घर में कपड़े ना धोएं। उपाय नंबर सात, सुख शांति के लिए रविवार को घर के पूर्व दिशा में खुले हाथ वाला लाल रंग का मिट्टी का बंदर रखें। याद रखिएगा कि लाल रंग का होना चाहिए वो मिट्टी का बंदर। पहले आप बना लीजिए बंदर को मिट्टी का, उसके ऊपर आप लाल रंग उस पर कर सकते हैं। उसका हाथ खुला हुआ होना चाहिए, उसको पूर्वी दिशा में रखना पड़ेगा। अब आते हैं अगले उपाय में। उपाय नंबर आठ, पांच शनिवार रात को पीपल पर सरसों का दिया जलाएं। पीपल मतलब पीपल का पेड़, उसके नीचे सरसों का दिया जलाएं। दीपक में दो या तीन दाने काली साबुत उड़द के डालें। दीपक के नीचे भी काली साबुत उड़द के दाने का आसन बनाकर उसके ऊपर दिया रखें। तो आपको ये उपाय पांच शनिवार तक करना है, पांच शनिवार। अब चलते हैं अगले उपाय पे। उपाय नंबर नौ, गृह क्लेश कम करने हेतु रोजाना घर के मुख्य द्वार पर कपूर जलाएं। जी हाँ, मुख्य द्वार पर रोजाना कपूर जलाएं। अगले यानी कि दसवें नंबर के उपाय पर चलते हैं। दसवां नंबर उपाय कहता है कि रविवार को पत्नी कपूर और पति सिंदूर सिरहाने रखकर सोएं। यदि आप पत्नी हैं तो अपने सिरहाने कपूर रखिएगा, और यदि आप पति हैं तो अपने सिरहाने सिंदूर को रखिएगा। अगले दिन पत्नी वह सिंदूर मांग में लगा लेगी, मांग भर लेगी, और पति वह कपूर जला देंगे। इससे
इससे दोनों के बीच कलेश कम होगा और प्रेम बहुत बढ़ेगा। उपाय नंबर 11, मंगलवार को चना व गुड़ बंदरों को खिलाएं। जी हाँ, मंगलवार को चना व गुड़ बंदरों को खिलाएं, इससे भी कलेश बहुत मात्रा में कम हो जाता है। अब चलते हैं अगले उपाय में, जो कि है 12वां नंबर का उपाय। पूजा घर में चांदी की कटोरी में चावल भरकर उस पर दक्षिणावर्ती शंख में 5 कौड़ी रखकर शंख को स्थापित करें। गृह क्लेश कम करने हेतु हर 6 महीने में इस क्रिया को दोबारा करें। कौड़ियां और चावल बहते जल में बहा दें। चांदी की कटोरी और दक्षिणावर्ती शंख साफ करके पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। अगर जिन बंधुओं को ये नहीं पता है कि दक्षिणावर्ती शंख क्या है, तो आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले उपाय में, जिसका मतलब 13वें उपाय में। अगर आप पत्नी हैं तो पत्नी हो सके तो पीली रंग की चूड़ियां पहने, पीले रंग की चूड़ियां पहने, इससे आपके ग्रह क्लेश में कमी आएगी। उपाय नंबर 14, हर बुधवार को 12 बजे तक मौन रहे। सिर्फ बुधवार को दिन के 12 बजे तक आपको मौन रहना है। तो अब आते हैं अगले उपाय की तरफ, जो है हमारा उपाय नंबर 15। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में गूगल की ध्वनि देने से ग्रह क्लेश शांत होता है। गूगल की क्लेश, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि सबको पता है कि क्या होता है गूगल की ध्वनि। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। उपाय नंबर 16, घर में रोजाना पोछा लगाने में समुद्री नमक का इस्तेमाल करिए। जी हाँ, समुद्री नमक आपको यूज करना है, इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है जब भी आप घर में पोछा लगाएंगे तो। अब हम चलते हैं अगले उपाय में, उपाय नंबर 17, घर के पूजा स्थान पर घी का पंचमुखी दीपक हर मंगलवार जलाएं। तो जहां पर आप पूजा करते हैं वहां पर घी का पंचमुखी दीपक जलाइए। पंचमुखी दीपक के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये भी मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि हर किसी को ये पता होता है कि पंचमुखी दीपक क्या होता है। उपाय नंबर 18, कपूर व अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। जी हाँ बंधुओं, कपूर व अष्टगंध की सुगंध बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे घर के लिए। उससे सुगंध तो फैलती ही है हमारे घर में, साथ ही साथ जो जितना भी कलेश होता है, फैला हुआ है घर में, ग्रह कलेश, ग्रह कलह, वो सब समाप्त होता है। उपाय नंबर 19, गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। जी हाँ, हर गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर, गुड़ और घी याद रखिएगा, गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। उपाय नंबर 20, पति पत्नी दोनों सोमवार को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। जी हाँ, मैं दोबारे बताता हूँ। उपाय नंबर 20, पति और पत्नी दोनों सोमवार को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। उपाय नंबर 21, पति व पत्नी शुक्रवार शाम को सफेद मीठी चीज खाएं, सफेद मीठी चीज, और खिलाएं भी साथ में, एक दूसरे को खाएं और खिलाएं, पति व पत्नी। हो सके तो चांदी की कटोरी में रखकर खाएं। चांदी की कटोरी अगर नहीं है तो भी आप जो हमारी हमारे घरों में बर्तन होते हैं उसमें रखे आप खा सकते हैं। मगर अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो उसका इस्तेमाल करें। उपाय नंबर 22, थोड़ी सी सौंफ लाल कपड़े में बांधकर अपने शयन कक्ष में रखें। शयन कक्ष, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि सबको पता होता है शयन कक्ष, जिसको हम कहते हैं बेडरूम। तो आप अपने बेडरूम में शयन कक्ष में थोड़ी सी सौंफ लाल कपड़े में बांधकर रखिएगा। अब चलते हैं उपाय नंबर 23, आटा गूंथते समय एक चुटकी नमक एवं एक चुटकी बेसन उसमें मिला दें। सिर्फ एक चुटकी या उससे भी थोड़ा कम कर सकते हैं आप। तो जब आप आटा गूंथेंगी तो आपको उसमें एक चुटकी नमक या एक चुटकी बेसन मिलाना है।
अध्याय नंबर 24वां, आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करें। जी हाँ, दुर्गा सप्तशी का पाठ करने से गृह कलेश कम होता है। आखिरी उपाय, जी हाँ 25वां उपाय पे हम आ गए हैं। वो कहता है कि शनिवार को पीपल के नीचे जाकर 11 बार श्री राम जय राम जय राम का जप करें। जी हाँ, शनिवार को पीपल के नीचे जाकर 11 बार श्री राम जय राम का जप करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो बंधुओं, ये सभी उपाय आप अपनाएं और गृह कलेश व लड़ाई इत्यादि से छुटकारा पाएं। सभी के सभी सटीक व सरल उपाय हैं और कम से कम 5 उपाय अवश्य करें। मैं आपको वीडियो के शुरुआत में भी आपको ये वाली बात बताई थी कि आपको कम से कम 5 उपाय करने हैं। अपने अनुसार आप 25 बताए हैं आपको, अब आप उसमें से कोई 5 उपाय अवश्य करें अगर आपको उसमें से लाभ उठाना है। और आपको लाभ अवश्य मिलेगा अगर आप 5 उपाय कार्यरत करते हैं। तो काफी लोगों को लाभ मिला है, तो अब आप भी लाभ उठाइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो से 2-4 होना है तो आप अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरा वीडियो लाइक करें। अगर आपका कुछ सवाल है तो उसको कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपके सवालों से, आपके वीडियो को लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और जितनी भी हमें विद्या मिली है आज तक, वो हमें आप लोगों के साथ बांटने में उत्साह फील होता है। तो मित्रों, बंधुओं, देवियों, देवताओं, मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।